आज हमारा चैप्टर नंबर है 10th। तो चैप्टर नंबर 10 जो हमारा है वो है क्लोथ यानी जो आप पहनते हो कपड़े। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड मेक नोट फॉर योर ऑब्जर्वेशन। टेक अ पीस ऑफ क्लोथ एंड ऑब्जर्व इट अंडर द मैग्निफाइंग ग्लास। व्हाट डू यू सी। आपको क्लोथ लेना है और उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखना है और देखते हैं कि आपको क्या दिखाई देता है। स्टडी अ सैक क्लोजली, कैन यू सी इट वॉज अ मेड। आपको क्या लगेगा कि वो एक सैक जैसा झोला है ना, गोनी, उससे बना हुआ है। आपको ऐसा लगेगा, आपको बड़े बड़े थ्रेड के ऐसा लगेगा कि थ्रेड के नेट के हिसाब से बना हुआ है वो। विजिट अ टेलर फॉर स्टिचिंग क्लोथ। द टेलर कट द क्लोथ। टेक अ पीस ऑफ कट क्लोथ दैट इज डज नॉट नीड। व्हाट डू यू सी इट एज। जब आप टेलर के पास जाओ और उसके पास देखो, वो जो कपड़े सिलता है ना, जो उसके पास यूजलेस कपड़े निकलते हैं उसमें से, आप उसमें से एक ले लो उसके टुकड़े और उसके एज को देखो, तो आपको क्या दिखेगा, बारीक बारीक धागे निकले रहेंगे। ऐसे आप धागे निकालोगे ना तो आपको पूरा मालूम पड़ेगा कि पूरा क्लोथ ना सिर्फ थ्रेड से बना हुआ है। यू विल सी दैट क्लोथ आर फैब्रिक मेड बाई इंटरवाइंडिंग ऑफ थ्रेड टूगेदर। बोला ना कि थ्रेड को मिला के उसको वाइंड करके बनाया गया है। इंटरवाइंडिंग थ्रेड टूगेदर इज कॉल्ड वीविंग। और जो थ्रेड को इंटरवीविंग करके बनाते हैं, मतलब जब थ्रेड से कपड़े को बुनते हैं तो उसको हम बोलते हैं वीविंग। लॉन्ग थ्रेड आर वूवन टुगेदर टू मेक क्लोथ। बहुत लंबे लंबे थ्रेड से एक दूसरे को वूव करके ऐसा एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, लाइक ऐसे मैं आपको बता दूँ, ऐसे लंबे लंबे थ्रेड होते हैं, लंबे लंबे थ्रेड और इनको ऐसे करके पूरे कपड़े को बुन देते हैं। और ये फिर पूरा कपड़ा रेडी हो जाता है और इसको कटिंग कर करके फिर आपके क्लोथ स्टिच करते हैं। वेयर डज द थ्रेड कम फ्रॉम। अब ये थ्रेड आता कहाँ से। टेक अ वॉल कॉटन वूल, पुल इट फ्रॉम द आइदर साइड टू मेक अ लॉन्ग एज पॉसिबल। ले इट्स ऑन अ पाम एंड प्रेसिंग इट विल अदर हैंड रोल इट इन द डायरेक्शन। क्या करना है, आपको एक कॉटन वूल लेना है, उसको पूरा प्रेस करके एकदम अच्छे से प्रेस करके दबा लेना है, अपने पाम पे लेना है और दोनों डायरेक्शन से पुश कर देना है। यू विल सी दैट द वर्ल्ड कॉटन गेट्स ट्विस्टेड इन टू द लॉन्ग विक एंड स्पिनिंग व्हील ऑफ द ड्रॉ एंड फ्रॉम द कॉटन। नाउ अ डेज द सम प्रोसेस इज कैरिड आउट सम ऑफ द मशीन एंड मेड ऑफ द कॉटन। अब ये क्या कह रहा है कि आपको एक कॉटन लेना है और उसको अपने हाथ में ऐसा ऐसा उसके गोले बना के फिर उसको प्रेस कर देना है और उसको फिर ऐसे टाइप टू टाइप लगाते हुए जाना है। तो आपको क्या मालूम पड़ेगा उससे कि मशीन में इसका ही यूज़ करके कपड़े बनाए जाते हैं। बी साइड कॉटन वर्ड अदर मटेरियल कैन बी यूज। और कॉटन के अलावा भी और भी मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। इन द अदर हैंड इंडिपेंडेंट फॉर आवर कंट्री, महात्मा गांधी स्टार्टेड अ पीपल मूवमेंट। ही इज कॉल्ड अपॉन हेम देम टू यूज ओनली दोज थिंग टू द वियर प्रोड्यूस इन द कंट्री। फॉर दिस पर्पज ही बिगेन टू यूज चरखा और स्पाइनिंग व्हील टू मेक द थ्रेड। चरखा मंडल वेयर द एस्टेब्लिश नेशनल वाइड विच गिव द मैसेज ऑफ यूजिंग ओनली स्वदेशी गुड्स। गांधी जी ने क्या किया, जब उनको अंग्रेज़ों को भगाना था तो बोले हम रेडीमेड, हम मशीन से बने हुए कपड़े नहीं खरीदेंगे। चरखा क्या होता है, जहाँ से थ्रेड बनाए जाते हैं। चरखा एक हैंडमेड मशीन होता है ना, कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखा दूँ कि ऐसा रहता है, उसके ऊपर एक गोल सा ऐसा ये लगा रहता है और यहाँ पर एक आदमी बैठ कर उसको घुमाता रहता है, ठीक है, और इसके ऊपर थ्रेड बनता रहता है, ऐसा दिखता है वो। तो गांधी जी ने खुद से चरखे से थ्रेड बनाना स्टार्ट किया और खुद ही कपड़े बनाने लगे और उसको बोले कि हम खुद से अपने कपड़े बनाएंगे, अंग्रेज़ों से नहीं खरीदेंगे, जब उनसे खरीदेंगे नहीं तो उनके पास पैसे होंगे नहीं और वो हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। और इसको चरखा मंडल इस्टेब्लिश कहा गया। विजिट अ क्लोथ शॉप, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट विद द ऑनर एंड मेक नोट। आपको क्लोथ शॉप पे जाना है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने और उसको नोट करना है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ डज ही स्टॉक। उनके पास कौन कौन से टाइप के क्लोथ हैं उनके स्टॉक में। डू द टाइप ऑफ क्लोथ हैव स्पेशल नेम, कोई क्लोथ का उसमें स्पेशल नेम है क्या, लाइक टेरेलिन, नायलॉन, अलग अलग नाम होते हैं क्लोथ के। व्हाट मटेरियल आर दे मेड अप ऑफ, और वो किस मटेरियल से बने हुए हैं। व्हाट इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द मटेरियल, और उसका ओरिजिनल सोर्स यानी वो मटेरियल अगर वो वूलन से बना है तो वूल आया कहाँ से है। वूल जो है वो शीप से मिलता है हम लोग को। तो ये ऐसी चीज़ें पूछना है, विच रीजन हैज़ द क्लोथ कम फ्रॉम, और कौन से रीजन से आया है। जैसे हर क्लोथ हर रीजन में नहीं पाया जाता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स नोट करके आना है और उसके क्वेश्चंस पूछने हैं। आस्क द ऑनर फॉर सैंपल डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ, और उसको डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ के सैंपल के बारे में आपको पूछना है।
मेक द टेबल ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गेट द शॉपकीपर एज शॉन बिलो। टाइप ऑफ क्लोथ्स कॉटन क्लोथ्स, जैसे कि टाइप ऑफ क्लोथ है, क्लोथ का टाइप क्या है कॉटन। व्हाट इट मेड ऑफ और किससे बना है, तो कॉटन क्लोथ है तो कॉटन से बनेगा। सोर्स मटेरियल प्लांट से बना है। वेयर द क्लोथ इज मेड, तो भिवंडी यानी वो भिवंडी से बन के आया है। तो ऐसे सपोज एक और आपको पूछता है कि अगर ये पूछेगा कि ये किससे बना है टाइप ऑफ क्लोथ, तो यहाँ पर अगर वूलन क्लोथ अगर वो तो किससे, व्हाट इज द मेड ऑफ, तो यहाँ पे आप वूल लिख दोगे। सोर्स यानी प्लांट से नहीं, वो एनिमल से मिलता है, शीप से। कहाँ बना है, सपोज वूलन क्लोथ जहाँ पर भी बनते हैं, सपोज आप भिवंडी लिख सकते हो तो आप भिवंडी लिख दोगे। यू विल रियलाइज दैट क्लोथ इज मेड डिफरेंट मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वूल, जूट, नायलॉन, रेयन। में बोला था ना क्लोथ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनता है, तो कौन कौन मटेरियल से बनता है, कॉटन, वूल, नायलॉन, जूट। प्लांट आर द सोर्स ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल, सम आर द सोर्सेस, कुछ जो सोर्सेज इसमें वो प्लांट से ही मिलते हैं हमको, लाइक कॉटन वगैरह। नायलॉन एंड रेयन आर मेड अप ऑफ टार लाइक मटेरियल, बट देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ टार, जो नायलॉन और ये होते हैं रेयन, ये तार लाइक मटेरियल से बनते हैं, टार की तरह एक चीज़ें होती उससे बनते जिनको रेशम बोलते हैं, वो अब आते कहाँ से हैं, है ना। तो ये मैन मेड मतलब इसको सिंथेटिक बनाया जाता है, कुछ नेचुरल चीज़ें मिलाकर और कुछ केमिकल्स मिलाकर ये बनाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, जिनको रेयन और रेयन वो डायरेक्ट नेचुरल नहीं मिलते, जैसे कॉटन हमको डायरेक्ट नेचुरल प्लांट से मिल जाता है ना, नायलॉन और रेयन नहीं मिलते, उनको सिंथेटिक बोलते हैं। क्लोथ कैन बी वूवन इन टू वेज, क्लोथ दो तरीके से, स्वेटर कैप आर वूवन विद द हेल्प ऑफ नाइटिंग नीडल एट द होम, होम पे जैसे जो मम्मी लेके बिनती ना सर कांडी से, उसको नाइटिंग वीविंग बोलते हैं। और हैंडलूम एंड द पावर लूम आर यूज टू वीव द क्लोथ ऑफ लार्ज स्केल, और हैंडलूम और पावर लूम जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में कपड़े बनाए जाते हैं वो बनते हैं, तो दो टाइप से कपड़े बनते हैं, हैंडमेड भी और पावर लूम से और हैंडलूम से। ट्राई दिस, टेक अ क्लीन वाटर इन अ स्मॉल बकेट, सोक द क्लोथ यू हैव ऑल द डे इन अ बकेट, आफ्टर द हार टेक अ क्लोथ आउट एंड बकेट बिफोर टेकिंग आउट द वियरिंग एंड टाइटली इन द बकेट, नाउ ऑब्जर्व वाटर इन द बकेट, इन द वाटर इज बकेट इज स्टिल क्लीन और डू यू सी एनी चेंज इन वाटर, यू विल सी दैट वन वी क्लोज आर एंड डर्टी। आपको क्या करना है, कपड़ा लेना है एक क्लोथ मतलब एक बकेट पानी लेना है, उसमें कपड़े को डालना और डाल के कुछ देर छोड़ देना है, छोड़ने के बाद उसको बिना हिलाए हिलाए, है ना, बिना उसको कुछ छुए ऐसे ऐसे गोल गोल सलकर निकलना है, आपको निकालना है बकेट से, और निकालने के बाद देखना है कि बकेट का पानी क्या गंदा हो चुका है या अभी भी क्लीन है, आपको ऑब्जर्व करना है। कैन यू टेल, कैन यू गिव सम रीज़न वाई क्लोथ गेट डर्टी, कपड़े गंदे क्यों होते हैं आप बता सकते हो क्या। मेक अ लिस्ट ऑफ द रीज़न, द लिस्ट शो द क्लोथ बिकम द डर्टी फॉर द वेरियस रीज़न, टेक वाई इट इज़ नेसेसिटी टू क्लीन, वियरिंग क्लोथ इज़ गुड फॉर हैबिट, ठीक है, क्लीन क्लोथ पहनना अच्छी आदत है। वी मस्ट हैव ऑलवेज क्लीन क्लोथ इन द ऑर्डर ऑफ रिमेन हेल्दी एंड लुक नीट लाइट टाइडी, जो हम अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो हमको लगता है ना हम हेल्दी और फिट हैं, टाइडी हैं। और कपड़े गंदे क्यों होते हैं, कपड़े इसलिए गंदे होते हैं कुछ आपके अंदर से जो स्वेट्स निकलते हैं उस वजह से कपड़े गंदे होते हैं, कुछ बाहर से जो डर्ट आते हैं वो आपके कपड़े पे आपकी बॉडी को बचा लेते हैं, आपके कपड़ों पे लग जाते हैं उस वजह से गंदे होते हैं, तो ये सब कारण है कपड़ों के गंदे होने का। विथ व्हाट डू वी वॉश योर क्लोथ एट होम, ठीक है, व्हाट डू वी वॉश आवर क्लोथ एट होम, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लोथ, अपने घर पे कपड़े मतलब वो जो धोते हैं हम लोग क्या जरूरत है, और लॉन्ड्री में विच डिफरेंट ऑफ द सोप एंड वॉशिंग क्लोथ इन द सोल ऑफ ग्रोसरी शॉप, फाइंड द आंसर इन द अबव क्वेश्चन, मेक द लिस्ट, यू विल रियलाइज दैट द वेरियस टाइप ऑफ सोप आर यूज टू क्लीन क्लोथ, सोप बार, डिटर्जेंट बार। अभी सारे के आंसर आपको मैं देता हूँ कि जो घर में कपड़े ना हम धो सकते हैं जो हमारे डेली यूजेस के कपड़े हैं, बट हमारे जो कुछ पार्टी यूजेस के होते हैं ना जो काफ़ी कॉस्टली कपड़े होते हैं वो लॉन्ड्री में ना बहुत केयरफुली धोते हैं, वो मशीन वगैरह में नहीं, मोस्टली अगर बहुत कॉस्टली है तो उसको धोते भी नहीं, उसको ड्राई क्लीन करते हैं। ड्राई क्लीन में क्या होता है कि सिर्फ पेट्रोल से स्प्रे कर करके कपड़ों के जो डर्ट होते हैं उसको कपड़ों से हल्का हल्का साफ कर देते हैं और वो क्लीन हो जाता है, तो उससे कपड़े ख़राब नहीं होते। और डिटर्जेंट सोप और ग्रॉसरी शॉप में भी बहुत फ़र्क है, अलग अलग कपड़ों के लिए अलग अलग केमिकल, जितने मतलब अच्छे केमिकल से कपड़ों को धोगे सॉफ्ट केमिकल से कपड़े उतने कम ख़राब होंगे, और जितने ख़राब केमिकल से धोगे कपड़े उतने जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो ये सब रीज़न है। व्हाट कैन वी यूज़ द क्लीन क्लोथ इफ दिस द सब्सटेंस आर नॉट अवेलेबल, अगर सारे सब्सटेंस अवेलेबल नहीं होंगे तो हम क्लोथ को कैसे क्लीन करेंगे। बाय द सम रीथा,
soap nuts, soak them in water, stir at water happen. Add washing soda to water and stir the water what happen. Now soak dirty clothes in this water. Wash these clothes after half of hour. Have the clothes become clean. आपको क्या करना है कि रीठा लेना है मार्केट से, है ना, सोप्स नट्स, रीठा एक वो आता है अलग टाइप का होता है, प्लांट में निकलता है, उसको आपको ले लेना है, पानी में उसको घोल देना है, उसके बाद कपड़े उसमें डाल के तो कुछ देर तक छोड़ देना है, छोड़ने के बाद उसमें से कपड़े निकाल के आपको रिंस करना है, कपड़े आपके क्लीन हो जाएंगे। सोप नट्स, वॉशिंग सोडा, हिंगबेट, लाइम स्टोन आर यूज टू वॉश द क्लोथ। जब पहले सोप नट्स नहीं हुआ करता था तो सोप नट्स लेते थे, वॉशिंग सोडा, हिंगबेट, लाइम स्टोन, ये सारी चीज़ों के हेल्प से कपड़े को साफ किया जाता था। Can you tell, do you still use the clothes? You are in the first standard. Okay, क्या तुम जो first standard में थे तभी वो clothes यूज़ करते थे? जब आप KG में थे तो भी आप clothes यूज़ करते थे, बिना clothes के जाते थे क्या स्कूल बिना यूनिफॉर्म के? If do not, what clothes do you use now? अगर नहीं यूज़ करते थे तब तो तुम अब कौन सा clothes यूज़ करते हो, क्या clothes यूज़ करते हो? Why does to use the old clothes? हम old clothes क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं क्लोथ हमारा छोटा रहता है, और क्लोथ की लाइफ स्टाइल ना, लाइफ जो होती है बहुत कम होती है। कोई कोई क्लोथ होते हैं वो 6 महीने तक चलते हैं उसके बाद फट जाते हैं, कोई कोई 1 साल तक चलते हैं उसके बाद फट जाते हैं, तो इसलिए हम लोग पुराने क्लोथ नहीं यूज़ करते हैं। वाई कैन यू नॉट वियर अ ड्रेस नाउ विच यू वॉज फेवरेट वेन यू वियर यंगर, है ना, आपकी फेवरेट ड्रेस आप बड़े होने के बाद क्यों नहीं पहनते? क्योंकि वो छोटी हो जाती है, आप बड़े हो जाते हो, क्लोथ का साइज़ नहीं बढ़ता है, क्लोथ का साइज़ कम भी नहीं होता, आप बड़े हो जाते हो तो वो क्लोथ आपको फिट नहीं आती है, आप मोटे हो जाते हो, लंबे हो जाते हो। व्हाट हैपन द क्लोथ दैट वी यूज़ एनी डू नॉट एनी मोर, और जो हम कपड़े नहीं यूज़ करते हैं अब हमको क्या करना चाहिए या क्या करते हैं? टेक योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड फादर पेरेंट्स, आस्क देम व्हाट हैपन टू ओल्ड क्लोथ, और आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से पूछना है कि वो क्या करते थे या क्या करना चाहिए आपको आपके पुराने क्लोथ का। Did you know that the cloth can be exchanged from a new utensil? Talk to people whose occupation is trade old clothes in the exchange for new utensil. Use the point and become the discussion. क्या हुआ कि क्लोथ के बदले ना आपको कुछ सामान मिलते, यूटेंसिल यानी बर्तन वगैरह आपको क्लोथ के बदले मिलते, आप पुराने दोगे ना बर्तन वाली जो आती है तो वो आपको नए बर्तन उसके बदले लेगी। और सबको क्या क्या क्वेश्चन पूछे, वट डू डू डे विथ द क्लोथ, कि वो क्लोथ का क्या करते हैं? गुड क्लोथ आर टर्न क्लोथ ऑफ सेपरेटेड, उसमें उन्हें से क्या करते हैं, अच्छे क्लोथ जो होते हैं वो सेपरेट कर लेते, अलग कर लेते। वट डू दे क्लोथ दैट आर स्टिल गुड्स, जो अच्छे क्लोथ होते हैं उनका वो क्या करते हैं, जो अच्छे ही होते हैं मतलब जो ख़राब नहीं हो चुके रहते। वट हु टेक देम, और कौन लेता है उन क्लोथ को? वट डू दे डू विथ टर्न क्लोथ, और जो ख़राब कपड़े हो जाते हैं उनका वो क्या करते हैं? डू दे कीप सम ऑफ द क्लोथ देम सेल्फ, हाउ कैन दे अफोर्ड टू टेक ओल्ड एक्सचेंज इन द न्यू फॉर यूटेंसिल, और वो क्लोथ को कैसे यूज़ करते हैं या क्या यूज़ करते हैं या खुद यूज़ करते हैं क्या, और वो कैसे हमें उस पुराने क्लोथ के बदले नया कपड़ा देते हैं, ये सारे पॉइंट उनसे आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, हाउ कैन दे अफोर्ड, और वो कैसे मतलब उसके अफोर्ड कैसे करते हैं कि पुराने क्लोथ के बदले हमको नए क्लोथ दे देते हैं? मेक नोट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव ऑब्टेंड, चेक वेदर योर नोट्स मैच द इंफॉर्मेशन गिव ऑन द नेक्स्ट पेज, और आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा जो नेक्स्ट पेज पे है उससे मैच करता है क्या? क्लोथ आर ड्यूरेबल देयर फॉर इवन दे बिकम ओल्ड एंड दे कैन स्टिल यूज़, क्लोथ जो है ना वो पुराना हो जाए तो भी वो चलता है और उसको फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ ओल्ड क्लोथ आर स्टिल इन अ गुड कंडीशन, अगर ओल्ड क्लोथ है फिर भी वो न्यू जैसा दिख रहा है, गुड कंडीशन में है, दे कैन बी गिवन दोज हु आर नीड देम, वो किसको ले आकर देते हैं, जिनको उनकी ज़रूरत है, जिनसे जो पुराने कपड़े भी नहीं खरीद सकते। आप रोड पर रहते हो ना, कभी कभी जो बच्चे घूमते हैं उनके पास एक शर्ट होता है, एक छोटा सा निक्कर होता है, वो सालों साल उसको पहन के घूमते रहते हैं, तो अगर आपके जो न्यू क्लोथ है तो फिर ओल्ड क्लोथ है फिर भी वो उनके उस क्लोथ से तो बहुत बेटर होते हैं, उनको पहनने के बाद तो उनको लगेगा कि उन्होंने न्यू क्लोथ पहन लिया। टर्न क्लोथ कैन बी मेड इन टू यूजफुल आर्टिकल लाइक क्विल्ट, डिश, क्लोथ एंड डोरमेट, और जो टर्न मतलब ख़राब कपड़े जाते हैं जो इधर उधर थोड़े बड़े फट जाते हैं ये वो, उसको भी वो लोग यूज़ कर लेते हैं। कैसे यूज़ कर लेते हैं? उससे चीज़ें बना लेते हैं, जैसे डिश क्लोथ बना लेते हैं कपड़ा साफ़ करने के लिए, ठीक है, और जो आपका डोरमेट होता है वो बना लेते हैं, और बहुत सारे आर्टिकल जैसे जिससे चीज़ें बनती है, जैसे वो साफ़ करने वाला ग्लव्स वगैरह होता है वो सब उससे बना लेते हैं, आपके कपड़े का साफ़ करने वाला वाइपर होता है।
ओल्ड क्लोथ कैन बी यूज टू मेक न्यू क्लोथ, और ओल्ड क्लोथ की मदद से न्यू क्लोथ भी बनता है ना। कैसे बनता है कि कुछ क्लोथ होते हैं सिर्फ उनको उनके कलर डल हुए रहते हैं, तो उनको कलर को और थोड़े उसके अंदर डिज़ाइंस को चेंज करके उसको न्यू फॉर्म में भी चेंज कर देते हैं। थ्रेड बेयर क्लोथ कैन बी पल्प्ड एंड यूज टू मेक पेपर, दिस पल्प इन यूज टू मेक द प्लेट फ्लावर एंड कैन बी ऑल्सो यू बी यूज एज ए मॉडल। क्या कह रहे थे, कुछ क्लोथ तो ऐसे होते हैं ना जिनको आप पल्प के फॉर्म में पूरा मतलब आप उनको भिगा देते हो है ना, और उनके पूरे लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं जैसे जो सिंथेटिक क्लोथ होते हैं, और फिर उनको आप उस लिक्विड से न्यू क्लोथ या मॉडल डिज़ाइन बना के दे सकते हो। जैसे कुछ क्लोथ को तो खाली उसमें मॉडिफाई करके बनाते हैं, कुछ क्लोथ को पूरा रीयूज कर सकते हैं वो लोग। जैसे पेपर प्लेट वगैरह भी बनते हैं आपके क्लोथ से, ठीक है, उनको पूरा लिक्विड बना के उससे पेपर प्लेट वगैरह बना दिया जाता है। स्टडी द पिक्चर, ऑब्जर्व द डिफरेंट इन द मटेरियल टाइप ऑफ क्लोथ, यू विल सी पीपल वियरिंग दिस टाइप ऑफ क्लोथ इन योर लोकेलिटी, और व्हेन यू गो आउट द टाउन मीट देम, दोज पीपल ऑपरेटिंग फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर क्लोथ एंड द राइट द नोटबुक। आपको देख रहे हो कुछ लोग मतलब आप अपने होम टाउन जाते हो गए आपके लोकेलिटी में, जैसे आपको ये पिक्चर्स में क्लोथ दिख रहा है, इस टाइप के क्लोथ पहने हुए दिखते हैं, तो आपको उनके पास जाना और पूछना कि आप ऐसे क्लोथ क्यों पहनते हो, मतलब इसका रीज़न क्या है, और उसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। डू दे ईयर सच क्लोथ ऑल ईयर अराउंड, आर दे एनी चेंज मेड डिपेंड ऑन द वेदर, एनी चेंज मेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड अदर सेलिब्रेशन, द डाइवर्सिटी इन द क्लोथ इन महाराष्ट्र ड्यू टू द कल्चर एंड ज्योग्राफिकल डिफरेंस, कंसिडरिंग द क्लाइमेट पीपल इन द महाराष्ट्र मेनली वियर कॉटन क्लोथ। ठीक है, आपने क्या करना है, कैसे क्लोथ वो क्या पूरे साल पहनते हैं, ठीक है, या मतलब सिर्फ इसी टाइप के क्लोथ पे डिपेंड रहते हैं, या अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के क्लोथ पहने जाते हैं, फेस्टिवल पे ही ऐसे क्लोथ पहनते हैं क्या, सिर्फ ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करना है, क्या कि हमेशा पहनते हैं या फेस्टिवल पे पहनते हैं या यही उनका पहना वही है या कुछ मौके पे पहनते हैं ऐसा, और महाराष्ट्र के रीज़न में हम लोग जो कल्चरल और ज्योग्राफिकल डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ पहनते हैं, और मोस्टली महाराष्ट्र के क्लाइमेटिकल रीजन के हिसाब से तो कॉटन क्लोथ पहना जाता है। गदर, द ओल्ड एज वेल एज रिसेंट फोटोग्राफर ऑफ ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव, आस्क देम व्हेन द फोटोग्राफ वेयर टेकन द राइट डेट बिहाइंड द एज, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द ईयर दे आर टेकन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, ऑब्जर्व हाउ द स्टाइल ऑफ क्लोथिंग हैज चेंज, फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द दिस चेंज। आपको क्या करना है कि आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के साथ से अपने मॉम के, फिर उसके बाद अपने बड़े भाई बहन के, अपने सबके पिक्चर डेट बाय डेट लगा देना और देखना कि कैसे कैसे उनके कपड़े आगे आते हुए चेंज होते गए, और उसका रीज़न क्यों था कि पहले कि ग्रैंड मॉम्स वगैरह साड़ीज़ पहनती थी और अलग टाइप की पहनती थी, और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लुंगी टाइप पहनते थे, फिर बाद में हमारे पेरेंट्स हैं वो पैंट वगैरह पहनने लगे, तो ये कैसे चेंज आया, आपको ये चीज़ें जानना है, उनसे पूछना है, क्योंकि चीज़ें मॉडर्न हुई ना इसलिए चेंज आया। जैसी चीज़ें जो ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे ना उसको बोलते हैं मॉडर्न, वो ट्रेंड हो जाता है और उसको सब कोई अप्लाई करना चाहता है। क्लोथ मेड अप फ्रॉम द यान, यान मे बी मेड फ्रॉम द कॉटन वूल, क्लोथ जो है वो यान से होता है, और यान कैसे बनता है, कॉटन और वूल से बनता है ना, यान आप सपोज सब समझ लो थ्रेड ना, क्लोथ बिकम डर्टी ऑन यूज बींग, जब क्लोथ आप यूज़ करोगे तो वो गंदा होता है, मैंने बोला ना स्वेट से और बाकी चीज़ों से गंदा होता है। ही मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ, और हमें हमेशा क्लीन क्लोथ पहनना चाहिए, सोप और नेचुरल सब्सटेंस लाइक रीठा कैन बी यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ, सोप जो है सोप और नेचुरल सब्सटेंस, जो नेचुरल सब्सटेंस वो क्या है, रीठा, जिसकी हेल्प से आप क्लोथ को वॉश कर सकते हैं। ओल्ड क्लोथ शुड नॉट बी थ्रोन अवे, और ओल्ड क्लोथ को हमें फेंकना नहीं चाहिए, दे कैन बी रीयूज, वो रीयूज हो सकते हैं। वी सी डाइवर्सिटी इन द क्लोथिंग इन बिकॉज ऑफ कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल डिफरेंस, और हम जैसे देखते हैं कि अलग अलग रीजन में, जैसे कोई अलग एरिया में, जैसे यहाँ है यूपी में, राजस्थान में, अलग अलग टाइप के क्लोथ पहने जाते हैं, क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन हो गया, ज्योग्राफिकल रीजन मतलब आप समझो अलग अलग स्टेट, देर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग हो अर्लियर टाइम एंड दोज टाइम, ठीक है, जो टाइप ऑफ क्लोथिंग थी वो बदलती गई, डिफरेंस उसमें आता गया, कैसे कि जो पुराने टाइप के लोग थे और अर्लियर पहले के लोग थे वो अलग क्लोथ पहनते थे, और जो अब के आ गए हैं वो अब अलग क्लोथ पहनते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम करना है आपको, शीप, शीप से हमको वूल मिलता है, तो फर्स्ट थर्ड, और वूल से क्या बनता है, स्वेटर बनता है।
फिर सेकेंड कॉटन, कॉटन हमको किससे मिलता है, कॉटन यान से मिलता है, और कॉटन यान से क्या बनता है, क्लोथ बनता है। जूट, जूट हमको किससे मिलता है, फाइबर से, और फाइबर से क्या बनती है, सैक बनता है। सोप, डिटर्जेंट, एश, परफ्यूम, है ना। विच इज़ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज़ इन वॉश क्लोथ, वॉश क्लोथ के लिए आप क्या यूज़ करते हो, सोप एंड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं हम, ठीक है, और परफ्यूम यूज़ करते हैं, एश नहीं यूज़ करते। विच ऑफ़ द फॉलोइंग पर्सन ट्रेड और ओल्ड क्लोथ फ्रॉम द न्यू यूटेंसिल, है ना, कढ़ाई वाला, बोरेन और कसार, इनमें से कौन जो है ये ओल्ड क्लोथ लेके आपको न्यू सामान देता है, ठीक है, ये आपको बताना है। अर्जुन बॉडी इज इचिंग टूडे, वॉट शुड ही डू, फाइंड द राइट एग्जाम्पल, हैव अ बाथ, पुट ऑन परफ्यूम, चेंज हिज क्लोथ, हैव बाथ, चेंज हिज क्लोथ, अप्लाई एश, हैव अ बाथ, पुट हिज क्लीन क्लोथ, टेक अ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसको बाथ करना है, फिर न्यू क्लोथ, और फिर आपको सी वाला ऑप्शन अप्लाई करना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ए लुक इनसाइड द बॉडी, है ना, कि बॉडी अंदर से कैसी दिखती है, बॉडी के अंदर क्या होता है, विसरल ऑर्गन क्या होता है,